So one fine day he said, I've quit my job. हमारा bank balance कुछ नहीं था, एक लाख रुपए भी नहीं था, घर भी नहीं था हमारे, दो बेटियां हैं आपके पास, मैं और कोई भी चीज़ यहाँ पे सिंपल मतलब सिंपल के आसपास भी नहीं दिख रही है। घर में कौन किसको ज्यादा पकाता है? Spoiler, total spoiler. Oh my god! अरे वो कहते हैं द वे टू अ मैन्स हार्ट इज हिज स्टमक, सबटाइटल दे देता हूँ कि आदमी के दिल तक पहुंचना है तो पेट से होते हुए गुजर जाइए। लेकिन प्रॉब्लम बड़ी कब हो जाती है, जब आदमी खुद ही इतना अच्छा खाना पकाता हो तो कहाँ जाए। एक शेफ जिनकी है मिलियन डॉलर मुस्कान और जो बनाते हैं लजीज पकवान, उस पे लगाते हैं अपने डिंपल का तड़का और उसी के साथ उन्हें चुरा लिया पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का दिल। लेकिन इनका दिल किसने चुराया दोस्त, ये कहानी जाननी है आज पता चलेगा। मिस्टर संजीव कपूर एंड द स्टनिंग आलियोना, वेलकम टू कपल ऑफ थिंग्स। वेलकम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मतलब स्टनिंग तो आप दोनों एकदम राइट। मतलब ये एक अमिता, मतलब कितने सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि ये मतलब मुझे ना जो लोग जिनका वजन नहीं बढ़ता मुझे बहुत ईर्ष्या होती है। एक तो कम खाते हैं, हमारे बिजनेस के लिए वैसे ही ठीक नहीं है, हमारा तो वजन कम नहीं होता है। ये क्या है सर, मैं एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, बिजनेस के लिए आपके बिल्कुल ठीक है क्योंकि खाऊ गल नहीं है, खाती खूब है, जाता कहाँ ये समझ नहीं आता सर। जैसे इन्होंने कहा कि कैसे मतलब तड़का और दिल धड़का, दिल कहाँ से धड़का, सीधा पहली मुलाकात पे ले चलिए, वो माहौल कहा मतलब जगह क्या थी, कैसे हुआ, थोड़ा सा वहां पे चलते हैं, वहां पे चलते हैं। ये लेके जा रहे हैं, यू नो हाउ मेनी इयर्स, कितना, सो वी हैव बीन मैरिड मोर देन 30 इयर्स नाउ, ओके, एंड वी वर डेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स बिफोर दैट। ओह माय गॉड, सो इट्स लाइक यू आर आस्किंग अस फॉर 35, मतलब 35 साल पहले लेके जाएंगे आपको, वाओ। ही इज लाइक, मैं तो सोच रहा हूं कि मेरी तो मेमोरी बहुत वो हो गई, बट शहर कौन सा था, दिल्ली एंड बनारस। अच्छा, कैसे हुआ ये दिल्ली बनारस का मिलन? बिल्कुल, दिल्ली से दिल बनारस की तरफ जा रहा था, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। अच्छा, ये जैसे अभी बहुत ज़्यादा एसी चल रहा है, काफ़ी ठंडा है, तो मेरे हाथ जो हैं वो हमेशा गर्म रहते हैं। अच्छा, क्योंकि ठंड लग रही है, बीच में आइल थी और एक साइड पे इधर बैठे, फिर मैंने कहा अच्छा मैं हाथ गर्म कर देता। नहीं, ऐसे जानते नहीं थे कि हाथ पकड़ने वाला नहीं जानता इतना, ऐसे तो मैं मतलब बहुतों को जानता हूँ। ये क्या हुआ, ये तो जान पहचान कहाँ हुई वहाँ पे? हाँ, नहीं, जान पहचान की सिस्टर मेरे साथ काम करती थी। अच्छा, ओके, तो इस तरह से जान पहचान थी, तो अपनी सिस्टर को मिलने के लिए बनारस जा रही थी। अच्छा, she was also a chef. Yes, so she was working in बनारस. तो फिर मैं उनको मिलने जा रही थी और संजीव also was going, but he was going actually to पटना via बनारस. तो हम साथ में एक ट्रेन में जा रहे थे। But फिर भी सर मैं कहूँगा डेयरिंग है कि मतलब हाँ, नहीं, अगर आप वो वंदना को देखें मतलब एकदम तगड़ी वगैरह तो वाकई डेयरिंग है मतलब। तो ट्रेन में आपके हाथ हो रहे थे ठंडे, आपके हाथ हमेशा गर्म रहते हैं, वो तो आप मतलब तो हाथों से पकवान बनाते हैं वहाँ पे, आपने मौके पे, तो आपके दिल में क्या आया ऐसे हाथ पकड़ने का, या व्हाट वाज ब्रूइंग इनसाइड योर माइंड और हार्ट, पहले से कुछ था या क्या, व्हाट वाज इट? नहीं, मैं तो सिंपल मतलब कि कोई जरूरत है, क्योंकि कहते हैं ठंड लग रही है, मैं बस स्वेटर होता तो स्वेटर दे देता। अच्छा, नहीं तो मैंने हाथ दे दिया। बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं कि अच्छा बचपन से आपको पता था आप शेफ बनेंगे, हमें पता ही नहीं था शेफ क्या होता है, तो किसी ने बोला ठंड लग रही है तो हाथ पकड़ लिया, तो बस। ओह स्वीट, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल फ्रेम, लुक एट दिस। यस, 35 साल पहले दिल्ली से बनारस को एक ट्रेन जा रही थी, करेक्ट, ऐसे हाथ पकड़ा था और आज 35 साल हो गए यूं हाथ पकड़ा हुआ है, दिस इज कपल ऑफ थिंग्स। बिल्कुल, नहीं नहीं, एक मिनट, व्हाट डिड यू फील अपार्ट फ्रॉम हिज हैंड, व्हाट डिड यू फील? लाइक, सो आई मीन ऑब्वियसली
दैट टाइम इतना सोचा नहीं हमने बट या मे बी लेटर व्हेन यू नो थिंक बैक देयर वाज समथिंग आई एम श्योर देयर वाज सम काइंड ऑफ अ व्हाट डू यू से सम स्पार्क्स फ्लाइंग बट आई डोंट थिंक हाउ लॉन्ग वाज दिस दो मतलब ये कितने कब तक आपको लगा कि उनका हाथ गर्म हो गया इट वाज अ लॉन्ग मतलब जो ट्रेन जर्नी थी इट वाज अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी But I mean, it was so crazy. We were just holding hands. Koi pass, anybody had to cross, then they would stop, and again we would go back. Like it was like that. And those people मतलब आप उन सीट्स पे बैठे थे जिनके बीच में लोगों के जाने की तो दो आइल पे हैं दो आइल पे थे बहुत जबरदस्त चीज है ये बहुत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं ऐसा कुछ सुना नहीं है वैसे भी मतलब समय लगता है समय okay. लगना चाहिए थोड़ा सा हाँ जो डिश वो बिरयानी जैसे पूरी रात भर जब पकती है तो स्वाद अलग आता खाने और इश्क में इत्मीनान होना चाहिए आए हाय लाइन ऑफ द डे इसको डाल दो बड़ा बड़ा करके एंड देन दो दिन ही वाज इन बनारस एंड माय सिस्टर वाज बिजी बिकॉज़ शी वाज अ शेफ देयर तो इसे चलो मैं तुमको बनारस घुमाता हूं नहीं एक्चुअली सिस्टर ने बोला कहते देखो मैं तो काम कर रही हूं आपको तो अभी पटना में जाना है मेरी सिस्टर है उसको थोड़ा बनारस घुमा दो तो बस वो घुमाना शुरू हुआ कि 35 साल तक वो घुमाने पता नहीं कौन किसको घुमा रहा है ओके ओके ठीक है ये आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस वी विल गेट टू नो कि कौन किसको घुमा रहा है वो मुझे घुमा रहा था बिकॉज़ दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप टू बनारस सो लाइक द मंदिर काशी विश्वनाथ का टेंपल एंड अदर लाइक यू नो ऑल द घाट पे गए थे हम लोग तो इट वाज मतलब जैसे हाउ यू मीट लाइक यू नो गुड फ्रेंड्स और व्हाटएवर सो यू Just go with the flow. So, इतना हमने सोचा नहीं था, frankly. At least I don't know about Sanjeev, but इतना नहीं सोचा. उसके बाद मैं तो आज भी नहीं सोचता. वो ही अच्छा है. पटना जा रहे थे, फिर he says चलो मेरे साथ, मैं पटना भी चलेगी उनके साथ दो दिन. पर ये अब पटाने के लिए पटना ही होना चाहिए ना? That was out of context a little bit. ऐसे चलेंगे हम लोग. Simple, no thinking. But मुझे एक बार ये मुझे ही फील हो रहा है या तुम्हें भी हो रहा है हाँ. ये बोल रहे हैं हर चीज सिंपल मुझे कोई भी चीज यहाँ पे सिंपल मतलब सिंपल के आसपास भी नहीं दिख रही है मतलब एक बंदा ट्रेन में बैठा है यूं ही हाथ पकड़ लेता है हाँ. बनारस पहुंच के घुमाया फिर बोला चलो पटना चलते हैं वो पटना भी चल पड़ी हाँ. ये तो अच्छी बात है मतलब मजा आ रहा है मतलब जो भी है बड़ा सुनने में बड़ा मजा आ रहा है रियल है वापस आ गए तो वी टू मीट कभी कभी शुरू शुरू में तो अपने ब्रदर की गाड़ी लेके आते थे कभी उनकी जब घुमाने बस ऐसे ही सिंपली ऐसे तो आप कहाँ थे दिल्ली में उस वक्त क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ हाँ वी टू से लोधी एस्टेट अरे तो लोधी गार्डन पास ही था नहीं नहीं लोधी गार्डन तो कभी गए जरूरत ही नहीं घर इतना बड़ा था अच्छा जो गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं वहाँ पे वो मतलब वो घर ऐसा था कि साथ वाला घर जो था तब प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह जी वहाँ रहते थे उसके साथ वाला घर वहाँ पे मतलब इतना बड़ा सामने लॉन पीछे नौ सर्वेंट क्वार्टर और सब कुछ लोधी गार्डन जाने की जरूरत लोधी गार्डन क्या है लोधी गार्डन क्या है तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है एंड और बाकी मैं होटल में काम करता था दिल्ली में तो होटल के अंदर वैसे भी आप मतलब होटल में भी एंटरटेन कर सकते हो कॉफी शॉप में अब हम घूम रहे हैं हमारी दोस्ती अच्छी हो रही है अब एक फील आ रही है सामने से भी और अंदर तो हमें तड़कन भड़कन सब हो रही है अब लगता है यार अब इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना है कुछ इसको लाइक वी शुड मतलब आई डोंट नो फॉर अस इट इज मोर लाइक कि अब इसको फॉर्मलाइज करें भाई यू आर माय गर्लफ्रेंड वो कुछ ऐसा मोमेंट था एक प्रपोजल का मोमेंट था Officially, how did you convey? All right, there you go. We got a story there. I think you need to tell us. Like, he had a, unko na kaam se he had to go for 2 years to New Zealand. Oh. So then. Kahani mein. Wow, thoda sa frame change karo. So once or twice before that, you know, hum log ghoomne gaye. So ek bari when he dropped me, I said, I think I'm falling in love with you. So he's like, he's saying. I don't think I know I'm in love with you. So I said, okay. These are beautiful moments. Yeah. Amazing. Huh? Ghar pe Lodi stage yeah, when outside when he dropped me. Outside when he gate or uske wajah gate. तब तो हाँ ये कुछ चीजें याद रहती हैं. There's some things which you know it's just yeah. there. When you talk about it, it comes back to you in a flash. बिल्कुल. ये ये this is what couple of things is. Just to go back to that time and when you go back to that time ना वहाँ पे. You'll feel nice after this. Then of course he was going, so then my father said, you know, call them over. So his
he came over with his family and all. And you know, they had some conversation lawn mein jaake. I don't know what conversation. Till date, he's not told me, nor my father tell me. But they had some conversation. Okay. आप समझो कि मतलब कि जिनका घर इतना बड़ा होगा, जो ऐसा मतलब ऐसा कुछ होगा, जब आपको ऐसे पूरे ऐसे बड़े लॉन के अंदर जहाँ पे हजार लोगों की पार्टी हो जाए फिर भी खाली रहे, तो उसमें दो चेयर पड़ी हो और आप एक चेयर पे बैठे और सामने तो आप क्या बोल रहे होगे? Oh, this must be a moment. That must be something. The tub, I don't think, मतलब his parents must have got a hint that time, but इतना कुछ बोला नहीं था. Then he went to New Zealand, दो साल के लिए चले गए, तो वहाँ पे तो फिर फोन कॉल्स ही होती थी ना, फोन कॉल्स या लेटर्स. अभी भी लेटर्स, लेटर्स, इतने लेटर्स मेरे पास. Take us through this. Office has to leave us to call my youngest. चिट्ठी आई है, आज चिट्ठी आई है, लाइक यू नो एवरी डे, लाइक ओके आई न्यू दैट हफ्ते में या दस दिन में, सो एक हफ्ता हो जाता है, टू कॉलर नेस टू लीव, आई है चिट्ठी. ढाई डॉलर की टिकट लगती थी उस पर चिट्ठी पे. और फोन का तो पूछो मत. आईएसडी. ओहो, हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू जोक था इनके. तो मैं जितना पहले कुछ महीनों में मैंने फोन किया और जो फोन का बिल था, मैं उससे आराम से टिकट लेके आ सकता तो सस्ता पड़ता. ओह माय गॉड. जब ही केम बैक आफ्टर वन ईयर ना फ्रॉम न्यूजीलैंड. हां बताओ. हां मैं वहां पे. अरे दैट वाज सच एन अमेजिंग स्टोरी. सो देयर वाज दिस, आई वाज वर्किंग इन अ कुरियर फर्म. तो आई डिसाइडेड टू गिव हिम अ सरप्राइज. एंड आई टोल्ड माय बॉस के यू सेंड मी टू सिंगापुर फॉर वर्क. एंड ही वाज कमिंग, आई हैड फाउंड आउट के न्यूजीलैंड से सिंगापुर, सिंगापुर टू बॉम्बे. मैंने बॉस को बोला, मैंने कहा मुझे सिंगापुर भेज दीजिए. तो आई हैड प्लान, मैंने सोचा कि वहाँ पे जब वो फ्लाइट में आएंगे तो आई विल, मैं उनके साथ में सिंगापुर टू बॉम्बे आऊँगी. सो दैट वाज अ बिग सरप्राइज. हाँ, तो मैंने फ्लाइट लेके सिंगापुर गई. उसके बाद मैंने अपनी सीट भी उनके साथ वाली सीट है फाउंड आउट, मतलब पता किया तो उनके साथ वाली सीट पे. तो वो जब फ्लाइट में बैठे, सो आई वाज, आई केम, मैं साथ में बैठी, ही वाज लाइक मतलब मेरे अपनी तरफ से पूरे वो किया था. ये पूरा सारा प्लानिंग हो गई, सब कुछ हो गया, सब सीट ब्लॉक हो गई, सब कुछ हो गया. मैं न्यूजीलैंड से सिंगापुर पहुंच गया, सिंगापुर से अगली फ्लाइट लेनी है. फ़ोन करने की तो आदत थी, तो मैंने टाइम देखा, मैंने कहा इस वक्त तो ऑफिस में होगी. ऑफिस में फ़ोन किया, अलियोना जी से बात कराइए. ए मैडम तो सिंगापुर गई हैं. मैंने ऐसे फोन किया तुम्हारे वहाँ पे ऑफिस में बता दे. वुड यू कॉल हिम रोमांटिक? और किसको बोलेगी? वेरी रोमांटिक. मतलब ये बहुत छुपे रुस्तम है, ऐसे मुझे लगे कि दिखा तो कुछ भी नहीं रहे हैं. सिंपल है, है ना? अरे क्या, मुझे कुछ याद नहीं क्या बोला, बस हाय हेलो बोला होगा. तो अभी भी वैसे अभी नहीं. अब सुनो, मैं शेफ हूँ, ठीक है? अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो अब उसमें रोमांस, अब यू कैन मेक इट रोमांटिक, राइट? यू कैन से इट्स रोमांटिक. सो इट इज, इट्स What lens you are using? आप उसको कैसे रोमांटिसाइज कर रहे हैं किसी चीज को. जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मुझे आप जला हुआ टोस्ट दे दो, ठीक है, मैं उसको भी रोमांटिसाइज कर दूंगा. हम वापस प्रेम कहानी पे आ जाते हैं. जो पकड़ी है हमने तंदूर पे थोड़ी छोड़ दी थी, वो जले हुए टोस्ट ना बन जाए. हम ये जाने कि वो जो प्रेम कहानी, अब न्यूजीलैंड से वापस आ गए हैं, अब इस प्रेम कहानी को जैसे मैं कहा एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे, तो वो नेक्स्ट स्टेज पे अब ये बात कैसे पहुंची? फर्स्ट व्हेन ही, मैं बताती हूँ स्टोरी बताती हूँ. वापस आ गए, फिर उनकी पहले सिस्टर की शादी होनी थी, ओके, पहले सिस्टर की शादी हुई, फिर भाई की शादी हुई, फिर हमारी थी, ओके. सो जब भाई की शादी हुई तब इनकी मम्मी ने मुझे पूछा, वो कुछ शगन देते हैं वो कुछ जब घोड़ी पे चढ़ते हैं, तो तू बहन की तरफ से लेगी कि भाभी की तरफ से? मेरी माता जी भी मेरी माता जी है. मैंने कहा बहन नहीं.
दैट वाज व्हेन दे गॉट टू नो. फिर शादी करनी है तो अभी तो नहीं, पहले तो ये हो गया कि मैं 2 साल न्यूजीलैंड गया, अब आ गया राइट, अब आ गया, अब तो हो गया मिलन हो गया जी जी, लेकिन रिटायर हो गए फादर इन लॉ तो फिर रिटायर हो गए ना, बॉम्बे आ गए, तो इनका घर बॉम्बे में था, हम फिर दिल्ली में गए, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई ये क्या हो गया राइट, तो ये तो बॉम्बे जाके नौकरी करनी पड़ेगी. तो मुंबई बॉम्बे तो हाँ था, बॉम्बे था, तो बॉम्बे के लिए हमने नौकरी के मौका एक आया, पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूटिव शेफ की होनी चाहिए. मेरा एक टारगेट था कि 10 साल से पहले प्रोफेशन में मुझे अपने फील्ड में मकाम पे पहुंचना है. तो मैंने कहा एक तो मेरी ये कंडीशन है कि मुझे वो है, तो 2 होटल थे वो कंपनी के उस वक्त बॉम्बे में, ठीक है, एक एयरपोर्ट के पास में था, एक जूह में था, तो मैंने कहा मैं जूह में काम करूँगा. जू में क्यों? Because she was in zoo. I'm sure he must have, you know, he used to share उनके जो सपने हैं, वो बहुत ambitious थे. Yeah. ये उन्होंने definitely आपसे बात किया होगा. You must have realized very early on की मतलब ऐसे बड़े सपने हैं और नहीं ऐसे we never had any conversation on that. It just like he says ना, it happened. So one fine day he said, I've quit my job. 5 साल हो गए. ये जो जू वाली ये शादी के बाद हाँ 5 साल हो गए थे. आज एल्डर डॉटर वाज 3 एंड द यंगर डॉटर वाज जस्ट बोर्न, शी वाज 3 मंथ्स ओल्ड. ही सेज आई हैव गिवन माय रेजिग्नेशन लेटर. ओके ओके श्योर ओके व्हाटएवर आई ट्रस्ट यू. आई ट्रस्ट यू नाइस बिकॉज़ हिज ब्रदर इज ऑलवेज से कि यू नो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग मच मोर. संजीव आई एम डाइग्रेसिंग लिटिल बिट फ्रॉम द लव स्टोरी बिकॉज़ people are looking up to this man who's sitting, who's achieved so much. And when I say achieved so much, I don't use the word legend very loosely. He's a legend in his field because you've paved paths for many more to come. And that's a turning point, leaving a job. Kya thought tha, us waqt zehen mein kya chal raha tha, wo batao thoda sa. I was afraid. I wouldn't say ki I was very comfortable. Mm-hmm. Because humara bank balance kuch nahi tha. दो बच्चे थे मुंबई में, घर नहीं होना, 2 बेटियां आपके पास में, और शी इज वर्किंग. आई एम नॉट लाइंग एट ऑल, आई एम गेटिंग गूज बम्स पूरे यहाँ पे. 2 बेटियां हैं आपकी, खैर बेटियां हो बेटे हो जो भी हो, 2 बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, घर अपना नहीं है, डर लग रहा है, फिर हिम्मत कहाँ से आई कि रिजाइन कर दूँ? ये कहाँ से आया ये बताओ. चलो ये तो पता था कि हाथ पैर तो मैं मार लेता था, हाथ पैर नौकरी के वक्त भी कर लेता था मैं कुछ ना कुछ. आई न्यू टीवी शुरू हो गया था, ये मैं पूछना चाह रहा था. ओके टीवी शुरू हो गया, आई वाज नाउ पॉपुलर, बट आई वाज नॉट, आई डिडंट हैव मनी. मैं तो फ्री में कर रहा था, ऐसे शो कर रहा था, मतलब मैं और सब लोग परेशान होते थे कि होटल में भी कोई खुश नहीं होता था ऑब्वियसली कि मतलब आप कैसे आप शूट कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो ये मतलब प्लस जेलेसी फैक्टर बहुत ज्यादा सब तरफ ईर्ष्या आती. ये हम किस शो की बात कर रहे हैं? खाना खजाना. ये पहला शो था पहला, बिल्कुल खजाना. सो खाना खजाना शुरू हो चुका था, पॉपुलर, पैसे वैसे थे नहीं. आई एम सो सॉरी, मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बीच में आऊंगा. एक इंसान जब एक काम करना शुरू करता है और जब वो पॉपुलर हो जाता है, ये जो ट्रांजिशन होता है उसको एक कुछ होता है तो उसको फीलिंग आ रहा है. आप ये कह रहे हैं मैं पॉपुलर हूँ, क्या ऐसा फीलिंग आई कि लगा कि क्या लेटर्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, लेटर्स तो आ रहे थे ना तब, चैनल में आते थे, सब कुछ होता था, पीपल यूज्ड टू स्टॉप हिम. Mm-hmm. Yeah. And वो खाना खजाना अंकल जा रहे हैं बाद में संजीव कपूर. अंकल, खाना खजाना अंकल, I know all the women had a huge crush on him. No, खाना खजाना अंकल. But how did you deal with that when you knew that हिंदुस्तान की सारी औरतें इस जनाब पे फिदा होती जा रही है? How did you deal with that phase? So initially, you know, maybe I must have थोड़ा सा होता था. But then I think there was a lot of trust. And you know, between both of us, trust and faith. So I knew that कहीं पे भी जाएगा, he's going to come home. So I was, yeah, you feel initially you felt maybe a little this, you know, Isha, maybe once or twice, but then of course you feel nice, you feel proud about it, like you know. Yes. So I was always
I was okay about it. But cherry on the top. Yeah. Just to complete that thought जो हमने पकड़ा था कि आपने कहा, मैंने पूछा था हिम्मत कहाँ से आई छोड़ने की. So हिम्मत I think वो भी कलेक्टिव होती है. एक आपके अंदर से होती है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो. ठीक है. लोग विश्वास दिला रहे होते हैं, आसपास वाले विश्वास दिला रहे होते हैं. सो माई ब्रदर हेल्प की, क्या कर रहा है, वाई आर यू नॉट गिविंग. सो यू एक्चुअली पुश्ड मी एंड व्हेन आई स्पोक टू हर शी डिड नॉट डाउट दैट. सो दैट्स अ सिग्नल राइट, दैट समथिंग. सो यू नो कि अच्छा. और आपको ये तो पता है शी वॉज वर्किंग. सो शी वॉज वर्किंग. सो हमें ये था कि अच्छा ठीक है ओके. घर नहीं है, घर का भी इंतजाम था. When he quit the job, so we were supposed to stay at my parents' house, but my there was a little this thing. So किसी कारणवश वो नहीं हो पाया. वो कारण हम शेयर नहीं करेंगे. वो कारण ठीक है, वो जो भी है हो गया, वो पुरानी बात हो. ठीक है. तो वो कारण वैसे थे कि वो नहीं हुआ, तो हमने नौकरी छोड़ दी है. और जो घर का एक सोच रहे थे वो भी नहीं हुआ. पैसे तो है नहीं, बच्चे छोटे. तो वो मतलब उस समय ऐसा लगता है कि ओहो ये कहानी में ट्विस्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा हो गया हमारे लिए. वो तो दिसे ना, भगवान एक दरवाजा बंद करता है दूसरा खोल. नहीं खोलेगा तो हम लात मार के तोड़ेंगे. खोलेंगे ऐसी क्या बात है. तो बड़े अच्छे मित्र भाई जैसे आप, तो कहा कि अरे ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारा एक घर है वो हम यूज नहीं करते हैं अभी. वाँ. कुछ महीने के लिए, तब तक हम कुछ इंतजाम करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे. मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि मुंबई में हो और आपने इतना कर लिया है. ये होता है कि जब एक इंसान एक सच्चाई के साथ शुरू हो जाता है कि मैं आगे करने आगे बढ़ने वाला हूँ, करेक्ट, तो जुड़ जाती हैं चीजें उसके बिल्कुल, साथ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. God bless you. तो बस बट जैसे कि संजीव ने कहा, मेरे लिए कोई स्ट्रगल नहीं था, मैं अपने सपने चेज कर रहा हूँ. लेकिन आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप जो बैकएंड पे इस सपोर्ट वॉर को देख रही थी होते हुए, कहीं नहीं थी, साथ में थी. तो ये साथ निभाना ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए देखना, और हमारे को एज अ कपल हमें जानना, आपसे सीखना. क्या कैसे साथ में खड़ी हुई थी, क्या कर रही थी आप उस वक्त, उस दौर में अगर लेके जाओ. वॉट एवर ही वॉज डूइंग, जो भी कर रहे थे, मतलब अगर ही वॉज जैसे एक रेसिपी बुक का ट्रायल था तो घर पे ही किचन बन जाता था. सो वी हैज टू हेल्प हिम यू नो डू द ट्रायल्स. सो जो भी था, मतलब अगर उनको कहीं जाना था ऐसे उसे अब जाओ. जैसे दुबई में जब रेस्टोरेंट खोलने वाला था तो कितने दो महीने ही टू स्टे देयर. आई सेड डोंट वरी, अब जाओ, आई विल हैंडल. सो आई थिंक biggest contribution I would say shuru mein aur abhi not to doubt what I was doing. My god, you know, jab aisa kuch dekhne ko aur experience karne ko milta hai na, ye humko lagta hai ki hamara jo channel hai couple of things, ye iski jeet hai, because hum kitna kuch seekh rahe hain as a couple. I always feel har cheez ke liye training hai, लेकिन प्यार कैसे करना है, रिश्ता कैसे निभाना है, उसके लिए कोई बात नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं. लगता है ऑटोमेशन पे हो जाएगा, लेकिन ऐसे देखो सीखने को मिलता है कि एक दूसरे पे अडिग विश्वास, नो डाउट ये कर रहा है सही है. आपने बहुत अच्छी बात की, फेल भी हो जाएगा तब भी चलेगा. वाह क्या बात है. आई थिंक कूडोज टू यू, सुपर रियली. यू नो वी हैव अ स्मॉल सेगमेंट जिसको हम कहते हैं कॉट शॉट्स. हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और आपको उनके जल्दी जवाब देने होंगे. बहुत ठीक है जी. ओके देयर यू गो. घर में कौन किसको ज्यादा पकाता है? मैं घर या बाहर सब जगह पका सकता हूं. करेक्ट. ये ऑलवेज सबको, घर पे भी खाना पकाते हैं, बाहर भी पकाते हैं और सबको पकाते हैं. किस बात पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है? नहीं, पकाना जरूरी लड़ाई नहीं होती है. बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैं कोई एक अच्छे जोक सुना देता हूँ तो बच्चे कहते हैं डैड जोक्स, राइट? सो फिर मेरा मुझे कहना पड़ता है डैड बैड. सो दैट्स इट, दैट्स अ गुड वन. या सो डैड बैड. ओके आपकी कोई ऐसी रेसिपी है जो आप अच्छा, वैसे आपने कहा आप कम पकाती हैं बट फिर भी, जो शेफ ने चुराई है? बहुत सारी हैं ऐसी. तो मैं तो हाँ बहुत सारी उसे सुपर हिट बनाई. हाँ बताइए जैसे खान भी बड़ा अच्छा बनाती है. अच्छा. हाँ डोसा बहुत अच्छा. ओके कोई ऐसी डिश है
which he just doesn't get it right. कितना भी कोशिश करे, the chef. ऐसे 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 नहीं हो सकता है, because it's always जो भी बनाते हैं, it's always a new recipe. Okay. So अगर even if it's not right, it will be his recipe, right? Okay. So. रिलेशनशिप दैट डज नॉट नीड एनी डेफिनेशन इज लव दैट नीड नॉट बी डिफाइंड दैट बिकम्स एक्सटेंशन ऑफ यू दैट बिकम्स यू इज लव. Wow. Take us through this as we are ending this beautiful, beautiful episode with a beautiful couple like you guys. 35 years, 35 साल का साथ है और इंशाल्लाह यूं ही आगे बढ़ते जाएगा. What it takes to be together for 35 years? ऐसे ही. There you go. Correct. What's going on in your, I want to know, आपके दिल में क्या चल रहा है जो कि वो बातें अश्रुभ है कि आंखों में आ रही है? It's just, मतलब just the साथ, एक दूसरे का साथ, and you know that come what may, he's there for me. आप मतलब as a human, as animal instinct बोलते हैं ना एक, which is survival, right? Survival किसका होता है? Self का होता है. When you are together, when you are self, then you know how to survive. दोनों अपना भी सर्वाइवल है तो अपना सर्वाइवल है, सिर्फ आपका नहीं है. सो जब इस तरह से आपको हो जाता है तो आपको कभी ऐसा सोचने के होता ही नहीं कि ये तुम्हारा ये मेरा. कभी हमने आज तक ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं. वाह, नेवर. कि ये तुम्हारा ये मेरा ये ऐसा, नेवर. शादी जब हुई, he says it's not yours or mine, it's ours. मतलब कोई भी पेरेंट्स ऑल्सो, इट्स नॉट, दे नॉट योर पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स, योर पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स. तो शुरू से, द डे वी गॉट मैरिड, तब से इट्स बीन लाइक दैट. And I think ऐसे नहीं कि झगड़े नहीं होते हैं, मतलब of course होते हैं, but then you say sorry and you move on. इतना you don't keep on thinking about baggage. That. Yeah, no, we don't carry baggage. You know, I'm sure आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी dishes बनाई होंगी, कितने पकवान बनाए होंगे, उनको famous किया होगा, तो दुनिया ने चखे होंगे, उसका स्वाद चखा होगा, उसकी खुशबू जो है. लेकिन 35 साल में ये जो डिश आप दोनों ने मिलकर बनाई है इस खूबसूरत रिश्ते की, आई डोंट नो, इससे ज़्यादा यमी, इससे ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा खुशबूदार, इससे ज़्यादा लजीज डिश शायद शेफ ने नहीं बनाई होगी, क्योंकि ये डिश आपके साथ मिलकर बनाई है. आपने बहुत सारी खुशियाँ देखी होंगी, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिली होंगी, और खुशियाँ आपको मिले. एक छोटी सी चीज़ कह देता हूँ कि रिलेशनशिप में तुलना बड़ा छोटा ऊपर नीचे वो नहीं होना चाहिए. काफी चीजों को छोड़ना चाहिए, भूलना चाहिए, बहुत सारी चीजों को उसमें बड़ा बनना चाहिए. छोटे होके भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कई बारी जरूरी नहीं कि बड़े, कई बारी ठीक हो. सो इफ यू कीप दैट कि आप रिश्ते में बड़ा देने से बनते हैं, लेने से नहीं, तो ये रखेंगे, ये जो खुशियां हैं ये इसी तरह से और बढ़ेंगे. The ship of the relationship will keep sailing, and we'll go through all the storms. Super. That's the dish we're taking home. Yes, thank you. Thank you so much. It was really, really, really wonderful. We are doing the semi carnival moment. Thank you. Thank you. मजा आया, really. Thank you. Thank you. Thank you.